Good morning, students. Vishakam, I am here with our English subject lesson number 29, Young Scientist 2. Okay. Uh, now, we start. We have seen a few interesting uh, things that seem like magic tricks. If you understand how द ट्रिक्स वर्क यू कैन यूज़ द साइंस इन इट टू मेक मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स लेट एस लुक एट वंस इज एक्साम्पल यू हैव सीन अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट सिम लाइक मैजिक ट्रिक्स अब लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो आपको मैजिक की तरह दिखते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रिक्स वर्कस यू कैन यूज़ द साइंस इन इट अगर आपको पता चले कि ये ट्रिक कैसे चलती है तो आप उसमें यह साइंस यूज़ करोगे टू मेक मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए लेटेस्ट लुक एट वन वंसज एग्जाम्पल और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अबाउस इन द हाउस। फॉर यू नीड कार्डबोर्ड चीट पेंसिल क्रेउ सीजर्स रोलर एक्सेट्रा अ पंच मीन्स अ टूल फॉर मेकिंग होल्स इन पेपर फॉर यू डू फर्स्ट कट आउट रेक्टेंगल फ्रॉम द कार्डबोर्ड सीट इट शुड बी अबाउट 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर इन साइट 7 सेवन मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर इन साइज का हमें कार्डबोर्ड पेपर लेना है और कट करना है मेक होल्स ऑन ईच ऑफ इट्स लॉन्गर साइड आज shown सी दैट द होल्स आर एक्जैक्टली अपोजिट इच ऑफ मेक अ होल्स ऑन ईच ऑफ द लॉन्ग लॉन्गर साइड उसका longer साइड में होल बनाओ लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो तो एक दूसरे के एग्जैक्टली exactly अपोजिट होने चाहिए नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ माउस ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल कार्डबोर्ड है उसके एक साइड में क्या करना है हमें माउस का पिक्चर ड्रॉ करना है ड्रॉ द पिक्चर नियर नीटली नियर द मिडल ऑफ द रेक्टेंगल एज शुड नेक्स्ट टर्न ओवर द कार्डबोर्ड रेक्टेंगल कार्डबोर्ड रेक्टेंगल टर्न करना है द माउस साइड शुड बी डाउन एंड द ब्लैंक साइड शुड बी अप कार्डबोर्ड टर्न करते वक्त ये बात हमें याद रखना चाहिए कि माउस की साइड डाउन पोजीशन पे आने चाहिए एंड ब्लैक साइड अपर पोजीशन पे आने चाहिए नेक्स्ट नाउ ड्रॉ हाउस नियर द मिडल ऑफ द ब्लैंक साइड ब्लैंक साइड के मिडल में जैसे हमने माउस किया था उस वैसे ही हाउस के मिडल ऑफ़ द ब्लैंक साइड पे हाउस ड्रा करना है द पिक्चर ऑफ़ द हाउस शुड बी लॉन्गर देन द पिक्चर ऑफ द माउस लेकिन ये याद रखना है कि माउस के कंपेयर में हाउस का पिक्चर लॉन्गर होना चाहिए कलर द पिक्चर ऑफ अ माउस इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद है तो माउस को कलर दीजिए ग्रे ब्लैक फॉर यू वॉन्ट नाउ टेक टू पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स इच अबाउट नाइनटीन सेंटीमीटर्स लॉन्ग नाइनटीन सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसे दो स्ट्रिंग्स लेना है आपको थ्रिएटर स्ट्रिंग्स थ्रू इच होल हर एक होल से स्ट्रिंग का निकालना है टाई नोट्स इन इच स्ट्रिंग टू मेक अ लुप लुप बनाने के लिए स्ट्रिंग को टाई करना है दस यू है कार्डबोर्ड रेक्टेंगल स्ट्रंग थ्रू द टू होल्स क्स्ट होल्ड द स्ट्रिंग्स लुप्स बिटवीन द थम्स एंड फोर फिंगर्स लुप इन इच अदर होल्ड दल्ड करना है बिटवीन दम्स एंड फोर फिंगर फोर फिंगर और बीच वन लुप इन ईच हैंड और एक हर एक का और लुप अपने हाथ में होने चाहिए उसके ट्विस्ट दिंग सेवरल टाइम्स एंड पुल द लॉन्ग आउट ऑफ द लिटल स्ट्रिंग दिंग ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ट्विस्ट करना है सेवरल टाइम बहुत टाइम देन पुल द लुप्स आउट अ लिटिल पुल मीन्स खींचे और लुप्स मीन छोरे उसके बाद वो जो स्ट्रिंग्स गए उसको ट्विस्ट करना है फिर उसको बहुत बार ट्विस्ट करना है और उसके बाद पुल मतलब खींचना है थोड़ी मतलब एट पुल द लुप्स आउट अ लिटल द कार्डबोर्ड विल स्टार्ट ट्रेलिंग और ये जब हम करेंगे तो कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा ट्रेलिंग हो जाएगा ट्विल होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ट्रिलिंग में समझ में आए आपको घूमना हॉट पिक्चर डू यू सी ऑन द कार्डबोर्ड आप कार्डबोर्ड पे कौन सा पिक्चर देखोगे इसे राइट यू विल सी दैट द माउस हैज एंटर द हाउस ये करते वक्त आपको पता चलेगा जैसे आप ट्रिल करना स्टार्ट करोगे और बीच बीच में इसे रोक के दोबारा स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आंखों को ये दिखेगा कि माउस हाउस में एंटर कर रहा है हाउ डिड दिस हैपन फे डिड द माउस ट्रैवल ये कैसे हो सकता है माउस घर में कैसे ट्रैवल किया माउस घर में कैसे घुसा नाउ स्टॉप ट्रिवलिंग द कार्डबोर्ड अभी कार्डबोर्ड को घुमाना बंद करना है यू विल फाइंड दैट द माउस हैज़ गॉन बैक टू हिस्स प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ दिट जैसे हम घुमाना बंद करते हैं हमें पता चलता है कि माउस जैसे उसकी पुरानी जगह उधर ही है मतलब वो उसने हाउस में एंटर नहीं किया है वह हाउस में नहीं घुस गया एक्सप्लेनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखो वेन यू सी समथिंग यू आर आईज रिमेंबर द पिक्चर ऑफ़ एवरी टाइनी बीट्स ऑफ द टाइम जब आप कुछ चीज़ें देखती हूँ तो आपकी आँखें वो चीज़ें याद रखती है और द पिक्चर ऑफ़ द वेरी टाइनी बीट ऑफ टाइम इफ़ यू शो इन द सेकेंड पिक्चर विद इन दैट टाइनी बीट ऑफ टाइम इट्स इज बोथ पिक्चर एट द सेम टाइम जब आप कोई चीज़ देखती हो तो आपकी आँखों आँखें वो याद रखती है और दूसरा पिक्चर सडनली कुछ सेकंड के बाद या कुछ कम टाइम के बाद आप लोग देखते हो तो दोनों पिक्चर आपके जो ब्रेन का इमेज रहता है आपको आँखों का जो इमेज रहता है उसमें वो फिट हो जाते हैं और दोनों पिक्चर आपको एक साथ देखना स्टार्ट हो जाते हैं द माउस डज नॉट रियली मूव मूव एट ऑल माउस ने मूव नहीं किया है मूवमेंट नहीं किया है उसने ट्रैवल नहीं किया है लेकिन हमारे आँखों को वो भास होता है आभास होता है यू कैन ऑल्सो पे स्टिक बिटवीन टू डे ऑफ ऑफ पेपर आप एक स्टिक uh, uh, उसमें पेस्ट कर सकते हो एंड क्विकली द और क्विल क्विकली ट्वेल्व द स्ट्रिक्स और स्ट्रिक को ट्विल कर सकते हैं इफ़ देर आर टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑन अ टू विजिबल साइड यू विल सी देम एज अ वन पिक्चर एंड लास्ट है ट्राई दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड सरप्राइज योर फ्रेंड ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये आप घर में ट्राई करो और अपने फैमिली को सरप्राइज करो हियर आर सम आइडियाज़ फॉर योर एक्सपेरिमेंट एंड लास्ट यू मे यूज़ यूर ओन आइडियाज़ टू मेक दिस अमेजिंग टॉय और ऐसे ये कुछ आइडियाज़ है जो आपके साइंस का जादू समझने के लिए काफ़ी है तो ऐसी कुछ चीज़ें बनाओ और अपने फैमिली को सरप्राइज़ करो ओके सो नाउ स्टूडेंट्स ये आर वी कम्पलीट अवर लेसन नंबर ट्वेंटी नाइन यंग साइंटिस्ट नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अवर विथ अवर न्यू टॉपिक लेसन नंबर थर्टी अ बुक्स विकप कैन स्टे होम मीट हेल्थी एंड वर्क फ्राम होम बाय